बहुत बढ़िया, रिकॉर्डिंग भी ऑन हो चुका है, सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है ना। चलो अच्छा, तो आज अपन कॉन्फर्मर्स की बात करेंगे। कॉन्फर्मर्स जो है, कॉन्फर्मर्स के पहले मतलब शुरू करने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा बेसिक आइडिया होना चाहिए न्यूमन प्रोजेक्शन का, ठीक है। तो आज मैं एक बार आप लोगों को प्रोजेक्शन सिस्टम याद दिलवाऊंगा, क्योंकि जरूरी है आप लोगों के लिए कि आपको सारे कंपाउंड्स को अलग अलग तरीके से ड्रॉ कर सको। चलो, वीडियो अच्छा लगा इसमें, थैंक यू सो मच। ठीक है, आज का सेशन 3 बजे तक है, हाँ चलो शुरू करते हैं। तो पिछले सेशन में हम लोगों ने ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में बहुत सारी बातें की थी, और एक चीज बता दो, ऑप्टिकल एक्टिविटी पे हम लोग और भी बात करेंगे, ठीक है। ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, जिसका नाम कन्फर्मर्स रख के कोई मतलब नहीं है। ऑप्टिकल आइसोमर्स पे अपन और भी बात करेंगे, लेकिन जब अपन क्वेश्चंस करेंगे तब, ठीक है। क्योंकि क्या है, इस पे बात खत्म ही नहीं होगी। आइसोमेरिज्म का मेन पार्ट ही ऑप्टिकल आइसोमर्स है, ठीक है। और वो इतना तरह से आपके सामने आएगा कि नहीं, मैंने लास्ट टाइम अथर्व स्टार्ट नहीं किया था, कन्फर्मर मुझे लास्ट टाइम स्टार्ट करना था, खत्म भी करना था लेकिन उन बातें कहीं और ही निकल गई, ठीक है। बट कोई बात नहीं, जरूरी बातें थी सारी के सारी। एंड एज आई टोल्ड यू, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पे अपन और भी टाइम स्पेंड कर देंगे, ठीक है। आज हम लोग कन्फर्मर्स खत्म करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चंस जेई मेंस में ऑलमोस्ट हर बार आता है, नीट में भी आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। एडवांस में एज सच इस पे क्वेश्चन कम ही आए हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछना डिफिकल्ट है, ठीक है। अपन सब वीडियो की भी बात करते हैं, आखिरी में करते हैं, ठीक है। थोड़ा एंड के लिए रखते हैं अपन डिस्कशन वाला पार्ट, अभी थोड़ा सा मेरे को आज फोकस करना है। तो एज ए सब क्वेश्चन इज एडवांस, एज ए सब क्वेश्चन कह सकते हो एडवांस में, ठीक है। अब मैं बताऊंगा अभी आपको कि किस तरह से काम करता है, किस तरह से इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं और क्या क्या बात की जाती है, ठीक है। सबसे पहले अपन बात करते हैं कॉन्फर्मर्स। कॉन्फर्मर्स समझने के लिए हमें सबसे पहले जाना होगा हमारे टाइप्स ऑफ और जो स्ट्रक्चर्स अपन ड्रॉ करते थे, ठीक है। 10 मिनट्स रिवाइजिंग, नहीं, अभी कोई रिवाइजिंग नहीं है चिरायु, मैं पहले कन्फर्मर फोकस करूँ। मैं कन्फर्मर्स के लिए बस तुमको एक बार वो बता रहा हूँ, हम लोगों ने वेज डैश स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, ठीक है। लेट अस टॉक अबाउट ब्यूटेन, ठीक है। ब्यूटेन के लिए सारा डिस्कशन करते हैं, क्यों ब्यूटेन के लिए करेंगे, क्योंकि आसान रहता है। ब्यूटेन में अपने पास एंड वाले कार्बन है, तो उनकी पोजिशन आज ठीक रहती है। हाँ भरत, ठीक ही है, मतलब थोड़ा बहुत आज हालत टाइट है। सबसे पहले अपन वेज डैश स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ठीक है। वेज डैश स्ट्रक्चर, अभी आप वेज डैश स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेन को जब आप देखना चाहोगे, तो वेज डैश स्ट्रक्चर में अपने को जो नॉर्मल लाइन होती है, दे आर द जो दोज मतलब एटम्स विच आर इन द प्लेन, ठीक है। तो अपन क्या अज्यूम करेंगे कि मेन जितने भी आपके कार्बन है ना ब्यूटेन के, अज्यूम कर रहे हैं कि वो एक प्लेन में है, तो कैसा दिखेगा कि अच्छा यहाँ पे एक हाइड्रोजन अंदर की तरफ है, एक हाइड्रोजन बाहर की तरफ है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन अंदर की तरफ है, एक हाइड्रोजन बाहर की तरफ है, ये ठीक है। दिस इज वेज डैश स्ट्रक्चर फॉर अ ब्यूटेन, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं इसी के एक दूसरा फॉर्म, ठीक है। इसका दूसरा फॉर्म क्या था, अपन ने जो देखा था इसमें सॉहर्स प्रोजेक्शन, ठीक है। जब ये सॉहर्स है, सॉहर्स में क्या होगा, सेम चीज होगा, कुछ ऐसा अलग नहीं होगा, लेकिन अब अपने को इसका जो स्ट्रक्चर है उसका इक्विवेलेंट इस फॉर्म में ड्रॉ करना होगा। क्या आपको ये इक्विवेलेंट ऐसे जो मैंने ड्रॉ किया समझ में आ रहा है? ऊपर CH3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ CH3, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो एक था वेज डैश स्ट्रक्चर, एक था फिशर डायग्राम। फिशर डायग्राम को भी अपन ड्रॉ करते हैं, आई थिंक यहाँ से फिशर डायग्राम ड्रॉ करना तुमको इतना डिफिकल्ट नहीं है, यहाँ से इसको लेकिन घुमाना पड़ेगा फिशर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए। तो फिशर डायग्राम आप इसको ड्रॉ करोगे तो
फिशर में एक्चुअली हम लोग कॉन्फॉर्मर्स नहीं देख पाते, ठीक है। प्रॉब्लम ये है क्योंकि फिशर डायग्राम का बेसिक डेफिनेशन ये है कि जो वर्टिकल में आते हैं दे आर बिहाइंड द प्लेन ऑफ पेपर, और जो हॉरिजॉन्टल में आते हैं वो टुवर्ड्स द प्लेन ऑफ पेपर है, आपके तरफ फेस करते हुए, ठीक है। तो फिशर डायग्राम में आप अलग अलग कॉन्फॉर्मर्स ऑब्जर्व नहीं कर पाते, इसलिए हम लोग यहाँ से सीधा मूव करेंगे टुवर्ड्स न्यू फॉर्म विच इज न्यूमन। दिस इज न्यूमन प्रोजेक्शन, न्यूमन हो गया ना, न्यूमन प्रोजेक्शन। अभी इसको जरा ध्यान से समझना, न्यूमन प्रोजेक्शन बहुत ही आसान है, ठीक है। ये जो कार्बन है यहाँ पे, ठीक है, जो मैं अभी ऑरेंज डॉट से मार्क कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। ऑरेंज थोड़ा सा ऊपर लो, वेज डैश देखना है वापस, प्लीज थोड़ा जल्दी जल्दी कॉपी करो, अगर कुछ रह जाता है तो टेंशन मत लो, बाद में पीडीएफ तो मिलना ही है आपको, है ना, प्लीज फोकस करो। तो अब जरा ध्यान से देखो, सामने वाला जो कार्बन है उसको मैंने ऑरेंज डॉट दिया है, पीछे वाला कार्बन जो है उसको मैंने ग्रीन डॉट दिया है। अब आप ध्यान से समझिए कि न्यूमन प्रोजेक्शन के बाद ये दोनों कार्बन को किस तरह से ड्रॉ किया जाता है। ये जो है ऑरेंज डॉट, ये है सामने वाला कार्बन, और ये जो ग्रीन डॉट है ये है पीछे वाला कार्बन। दोनों कार्बन को आगे पीछे आप अरेंज करते हो, और अब इनसे क्या कैसा बॉन्ड है आप उसको वैसा ड्रॉ करते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे बॉन्डिंग में क्या है, यहाँ पे आपके पास इसमें CH3 लगा हुआ है, H लगा हुआ है H, तो अपन यहाँ पे ऐसे लिख देंगे दिस इज CH3, दिस इज H, दिस इज H, ये है सामने का वाला कार्बन, ठीक है। कृष्णा मैं 2 मिनट ड्रॉ करता हूँ, फिशर भी ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। और ये जो है पीछे वाला जो कार्बन है, ये पीछे वाले कार्बन में लगे हुए हैं 2 हाइड्रोजन, और नीचे लगा हुआ है 1 मिथाइल, ठीक है। दिस इज न्यूमन प्रोजेक्शन ऑफ पीछे वाला कंपाउंड, ठीक है। तो अपन जो ऊपर से एक एक करके नीचे देखते आ रहे हैं, ठीक है, वेज डैश स्ट्रक्चर देखा, सेम कंपाउंड का हमने, मतलब सेम कंफर्मर का हमने सॉहर्स प्रोजेक्शन देखा, और फिर उसी कंफर्मर का हमने न्यूमन प्रोजेक्शन देखा। अभी व्हाट इज कंफर्मर? कंफर्मर इज बेसिकली, अगर आपके पास एक सीसी सिंगल बॉन्ड, ठीक है, आपको पता है कि सीसी सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन हो सकता है, ठीक है। तो ये जो रोटेशन जो होता है, ये रोटेशन पे भी जो आपको अलग अलग एंगल पे एक ऐसा, मतलब आप समझ रहे, दिस इज द न्यूमन प्रोजेक्शन, ऐसा सोचो कि आपको आगे वाला दिख रहा है, पीछे वाला दिख रहा है, और ये सब ऐसे रोटेट कर रहे हैं। तो सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन से भी आपको अलग अलग कंपाउंड, मतलब अलग कंपाउंड, मतलब उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी अलग नहीं होती, बात यही है कि ये रिएक्शन में जाने के पहले अपने आप को एक अलग तरीके से अरेंज कर लेता है, ठीक है। वो रिएक्शन में जाने के पहले वो अपने आप को जिस तरह से अरेंज करता है, उसको हमने एक नए फॉर्म का नाम दिया, ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा है, कंपाउंड अलग नहीं है, बस उसमें थोड़ा सा रोटेशन हो गया, तो हमने उसको एक नया फॉर्म है, कंफर्मर जो है इट्स अ न्यू फॉर्म, ठीक है। इसको आप अलग से, आप सेपरेट नहीं कर सकते हो। आप वैसे बोलोगे कि अच्छा 30 डिग्री रोटेट हुए वाले को अलग रखो, 60 डिग्री रोटेट हुए वाले को अलग रखो, ऐसा नहीं हो सकता। ये आपस में ऐसा होते रहेगा और घूमता रहेगा, रूम टेम्परेचर में उनको इतना एनर्जी मिल जाएगा कि वो आपस में घूमते रहेंगे, इंटर कन्वर्ट होते रहेंगे। बात यही है कि हमें ये इसलिए समझना इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब रिएक्शन मैकेनिज्म हम लोग बात करेंगे, जब कोई एक रिएक्शन हो रही है तो रिएक्शन किस तरह से आगे प्रोसीड होगी, उस चीज को डिस्कस करते वक्त हमारे लिए एक कंपाउंड अपने एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में हमें जाते हुए दिखाना पड़ेगा ताकि हमको उसका प्रोडक्ट मिले, ठीक है। जया का कहना है द डिफरेंस इज बिकॉज ऑफ रोटेशन, बिल्कुल सही बात है। इसका फिशर डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो फिशर तो बहुत आसान है, अपने को फिशर के लिए कुछ नहीं करना है। यहाँ पे इसको आप ये फॉर्मेट में पहले लेके आओ, ठीक है, जिसमें दोनों CH3 जो वर्टिकल पे रहने वाले उनको आपने ऊपर लगा दिया, ठीक है, खत्म। अब आप इसका फिशर ड्रॉ कर सकते हो, ये ऊपर वाला CH3, ये नीचे वाला CH3, है ना। बाकी हाइड्रोजन समझ में आएगा, फिशर
बट फिशर में आप सारे कंफर्मर ड्रॉ नहीं कर सकते। अब कंफर्मर देखने के लिए आपको न्यूमन प्रोजेक्शन देखना बहुत जरूरी, ठीक है? तो अभी अपन इसको एक बार, हाँ ठीक है, मैं लिख के दे रहा हूँ इसका, अपन कंफर्मेशन का डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। आपने यहां तक पहले प्रोजेक्शन सारे लिख लिए क्या? सारे अलग अलग टाइप के प्रोजेक्शन लिख लिए? आपको ये समझ में आ रहा है? ऑरेंज वाला मैंने अलग डॉट बनाया है, ग्रीन वाला अलग डॉट बनाया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? न्यूमन प्रोजेक्शन ड्रॉ करने के लिए जूम आउट करूं, तो दिस इज ब्यूटेन के अलग अलग फॉर्म्स ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है? ग्रीन वन इज बिहाइंड, ठीक है? पीछे वाला कार्बन है ग्रीन वाला कार्बन, ऑरेंज वाला जो कार्बन है दैट इज सामने वाला कार्बन, ठीक है? तो इसमें अपन बस इतना सा लिखूंगा मैं न्यूमन प्रोजेक्शन में, फ्रंट कार्बन इज डिनोटेड बाय अ डॉट एंड बैक कार्बन इज डिनोटेड बाय अ सर्कल, ठीक है? कृष्णा का डाउट है, न्यूमन में हम लोग लेफ्ट साइड से ही देखेंगे क्या? न्यूमन में आप यहां से देख रहे हो, आप लेफ्ट साइड से नहीं देख रहे हो, आप कहां से देख रहे हो? आप देख रहे हो एकदम सामने से, ऐसे कि आपके लिए ये दोनों कार्बन एक लाइन में लाए कर रहे हैं, ठीक है? आप उनको ऐसे सामने से देख रहे हो कि दोनों कार्बन आपको एक ही लाइन में दिख रहे हैं। क्या आप दूसरे साइड से देख सकते हो? बिल्कुल देख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? इफ यू ड्रॉ न्यूमन ऑफ सेकेंड सॉ हॉर्स बोथ ग्रीन एंड ऑरेंज वुड ओवरलैप, यस आविष्कार, दे विल ओवरलैप एंड दैट इज अ टाइप ऑफ कॉन्फॉर्मर, अपन उस पर बात करते हैं, ठीक है? ये सबने लिख लिया यहाँ तक। अब एक काम करते हैं, कॉन्फॉर्मर्स की डेफिनेशन पे चलते हैं, ठीक है? कि कॉन्फॉर्मर्स टू ड्रॉ न्यूमन वी हैव टू ड्रॉ सॉ हॉर्स, ऐसा जरूरी नहीं है, अगर आप इमेजिन कर पाते हो आप डायरेक्ट ड्रॉ करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? कॉन्फॉर्मर्स की बात करते हैं, द डिफरेंट टाइप ऑफ, क्या लिखा है के बाद कॉन्फर्मर का कॉन्सेप्ट फिर से समझाओगे? नहीं, कॉन्फर्मर तो पार्थ अभी बताऊंगा ना, ठीक है? द डिफरेंट टाइप ऑफ अरेंजमेंट्स, अरेंजमेंट इन एटम्स ऑफ ए मॉलिक्यूल अराइजिंग ड्यू टू रोटेशन ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, दे आर ऑल्सो कॉल्ड, अभी कॉन्फर्मेशनल आइसोमर्स बोला जाता है, इनको रोटेशनल आइसोमर्स भी बोला जाता है, वेरी करेक्ट नेम है ना, रोटेशनल आइसोमर्स, और शॉर्टकट इसका ये भी है रोटामर्स। समझा क्या? कॉन्फॉर्मर्स और कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स एक ही बात है दोनों, कोई अलग बात नहीं है, ठीक है? आपको ये बात समझ में आया? सी सी सिंगल बॉन्ड जो है, सी सी सिंगल बॉन्ड के रोटेशन के चलते आपको अलग अलग आइसोमर मिल रहे हैं, तो आपको कितने कॉन्फॉर्मर्स मिल सकते हैं?
सोहम कुलकर्णी बोल रहा है टीचर्स विथ एनर्जी। नहीं दोस्त, मैं कहाँ से टीच एनर्जी से करेगा है, मैं तो ऐसा डार्क मैटर पे काम करता है, इनफाइनाइट। थैंक यू सो मच, कई लोगों ने जवाब दे दिया कि यू विल गेट इनफाइनाइट कंफर्मर्स, है ना, आप कितने डिग्री से रोटेट कर लो उतने से उतने कंफर्मर मिल जाएंगे। पलक ने कहा कि वेन एवर वी रोटेटेड कंपाउंड्स इन द पास्ट वी डिडंट कॉल देम कंफर्मर्स। अरे पलक, उसको अपन कंफर्मर इसलिए नहीं बोले क्योंकि अपन कंफर्मर का नाम जानते नहीं थे, ठीक है। तो कंफर्मर ये नाम अपन फर्स्ट टाइम लिए, ठीक है। अभी कंफर्मर्स अलग अलग होते हैं, इसके ऊपर भी अपन थोड़ा सा बात करते हैं, ठीक है। अरे मेटामर कहाँ पे लेके आ गई टीशा, मेटामर कौन था याद करो, ईथर, आरओआर वाला था, आरओआर में एक एक साइड का मिथाइल इधर उधर चले गया है ना, बीच में एक आपके पास लिंकेज थी वो था मेटामर, स्ट्रक्चरल आइसोमर में पड़ा था, ठीक है। कंफर्मर्स जो है, अब आप जरा ध्यान से देखना, ये जो न्यूमन प्रोजेक्शन मेरे सामने है रखा हुआ है, इसको मैं एक एक डिग्री ऐसा ऐसा रोटेट करते जाओ, सामने वाले को, पीछे वाले को ऐसे ही रखा, सामने वाले को एक 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 डिग्री ऐसा रोटेट करते गए तो आपको बहुत सारे कंपाउंड मिलेंगे। लेकिन अब हमको कहीं तो कुछ एक बनाना पड़ेगा ना, कोई तो एक थोड़ा सा क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा ना, तो इसलिए अपन क्या है ना, इसको कुछ पांच छह टाइप में क्लासिफाई करते हैं। एक कॉन्सेप्ट में दो डेफिनेशन से कंफ्यूजन हो जाता अगर पहले सिखाते तो, बिल्कुल सही बात है। अरे ये जो है ना कन्फर्मर, ऐसा कोई बहुत खतरनाक कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। इसको समझना भी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक एलिमिनेशन रिएक्शन अपन आगे जाके स्टडी करेंगे, वो भी बिना कन्फर्मर ये नाम लिए मैं तुमको पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। बट अब नाम लिया है लोगों ने तो अब आप ऐसा थोड़ी है कि फिर आप बोलोगे कि पढ़ाया नहीं, ठीक है। एज सच देखोगे तो लॉजिकल चीज है जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा मगजमारी में पढ़ने की जरूरत नहीं, ठीक है। एक थोड़ी इंटरेस्टिंग बात करता हूँ, कॉन्फर्मर्स जो है, ऊपर जाओ हाँ? कौन बोला ऊपर जाओ, ऋतुज बोला ऊपर जाओ, ये बाबूराव है कह रहे तू, चलो व्हाट इज द लास्ट वर्ड इन डेफिनेशन, रोटामर्स, ठीक है, रोटामर्स इज द लास्ट वर्ड। अच्छा अभी थोड़ा फोकस करो, ध्यान से सुनो, मैं बोल रहा था कि तुम लोगों के जो कमेंट आते हैं ना, मैं कभी कभी चाहता हूँ कि आपके कमेंट ऐसे लाइव स्ट्रीम हो, ठीक है, सबको दिखना चाहिए कि तुम लोग कैसे एक से एक हो, ठीक है। तो चलो मैं बात कर रहा था कि कॉन्फर्मर्स जो है ना, कॉन्फर्मर्स में सबसे पहले अपन इस पे बात करते हैं कि रोटेशन हुआ क्यों, ठीक है, रोटेशन ऐसा 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 घूम क्यों रहा है। अब ये घूमने का कुछ रीजन है, देर आर सम काइंड ऑफ स्ट्रेन आप कह सकते हो, ठीक है। इन केस ऑफ कॉन्फर्मेशनल आइसोमर देर इज अ स्ट्रेन दैट वी कॉल टॉर्शनल स्ट्रेन, ठीक है। सो एक 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 वर्ड अपन नया सीखते हैं आज, टॉर्शनल स्ट्रेन। क्या आप लोगों ने फिजिक्स में टॉर्क पढ़ा है? टीशा बोल रही है लाइव हो जाएगा तो एक से बढ़कर एक कमेंट नहीं आएंगे। नहीं टीशा, ऐसा तो नहीं है, आई डोंट बिलीव दैट। मैं जब यूट्यूब पे पढ़ाता था, आई हैव अ वेरी विविड एक्सपीरियंस, मैं इतना ही कहूंगा। टॉर्शनल स्ट्रेन नहीं पता है, थोड़ा ध्यान से सुनो। आपको गाड़ी मालूम है, गाड़ी गाड़ी के जो स्पेसिफिकेशंस देखते हो ना, कार बाइक के टॉर्क होता है ना, उसमें टॉर्क एक वर्ड होता है, टॉर्क ये वर्ड होता है फॉर एंगुलर फोर्स, समझ रहे हो, एंगुलर फोर्स, ठीक है। एक होता है आपका सीधा फोर्स, एक होता है एंगुलर फोर्स, क्या कितने ताकत से घुमा देगा, ठीक है। तो दैट इज टॉर्क, इट हैपेंस अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। सिमिलरली ये जो टॉर्शनल स्ट्रेन है,
इट अपोजेस, होता ना, ये जो आपका जो आप जैसे आप घुमा रहे हो फास्ट, ये फास्ट घुमाने वाले प्रोसेस को अपोज करता है, ठीक है। तो एंगुलर रोटेशन को वो अपोज करता है, इसलिए इसके लिए वर्ड है टॉर्शनल स्ट्रेन, ठीक है। अब ये टॉर्शनल स्ट्रेन को हम लोग सिंपल वर्ड में कहना चाहे तो कैसे कहें कि रिपल्शंस दैट माइट प्रिवेंट मूवमेंट, आप क्या बोलते हो, रोटेशन ऑफ द सिंगल सिंगल सी सी सिंगल बॉन्ड, रिपल्शंस दैट माइट प्रिवेंट द रोटेशन अलोंग द सी सी सिंगल बॉन्ड। इसको मैं लिख देता हूँ मोमेंट ऑफ फोर्स, स्कूल में पढ़ा था, बहुत बढ़िया। अगर स्कूल में पढ़ा है तो बहुत अच्छा है, नहीं पढ़ा तो भी कोई बात नहीं, आगे पढ़ने ही वाले हो, कोई रोकने नहीं वाला, ठीक है। तो टॉर्शनल स्ट्रेन इज रिपल्शन अलोंग, नहीं तो अभी 2 मिनट पहले अपन ने क्या बात किया, अपन ने 2 मिनट पहले बात किया कि कॉन्फॉर्मर क्या है, सी सी सिंगल बॉन्ड के अलोंग रोटेशन आते हैं, ठीक है। अब ये टॉर्शनल स्ट्रेन क्या है, ये सी सी सिंगल बॉन्ड के अलोंग जो रोटेशन आता है वो रोटेशन को रोकता है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ सोहम कुलकर्णी, बिना एग्जाम्पल के तो खत्म नहीं करूंगा, अगर तू नहीं बोलता तो मैं बोलता नहीं, ऐसा भी नहीं होता, तो 2 मिनट होल्ड कर। टॉर्शनल स्ट्रेन इन जनरल अगर आप देखो किसी भी कंपाउंड में, जब आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं दे रिपेल इच अदर, ठीक है। इफ देर आर बल्की ग्रुप्स दे रिपेल इच अदर, ठीक है। अब आप ये सोचिए, अब एक एग्जाम्पल पे आ रहा हूँ, नीड 10 एग्जाम्पल्स, अनुज जाधव तेरे को बम बना करने के 10 एग्जाम्पल देगा, मैं रुक जा। अभी 5 मिनट पहले किसी ने एग्जाम्पल के वक्त ये बोला था कि अगर आप उसको थोड़ा रोटेट कर दो, वो या ऊपर वाला जिसका फिशर डायग्राम बना था उसी का अगर मैं ये बना दू, क्या बोलते हैं, न्यूमन प्रोजेक्शन बना दू, है ना, मर्सिडीज वाला सिंबल, तो एक के पीछे एक छिप जाएगा, ठीक है। जरा ध्यान से देखना, अभी मैं तुमको टॉर्शनल स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट बताता हूँ। ये देखो यहाँ पे एक CH3 है, यहाँ पे एक CH3 है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, हाँ, जो सामने वाले डॉट से कनेक्टेड है वो सामने वाले कार्बन के है, जो सर्कल से कनेक्टेड है वो पीछे वाले कार्बन से। ध्यान से समझना, ये जो डॉट से कनेक्टेड है वो सामने वाले कार्बन से जुड़े हुए हैं, और जो सर्कल से कनेक्टेड है वो पीछे वाले कार्बन से जुड़े हुए हैं। आपको बताना है मुझे डायग्राम 1 एंड डायग्राम 2, इनमें से कौन सबसे ज्यादा रिपल्शन फेस करेगा, 1 और 2 में सबसे ज्यादा रिपल्शन कौन फेस करेगा, ठीक है। अब रिपल्शन कौन करता है, रिपल्शन करते हैं बॉन्ड्स, बिकॉज बॉन्ड्स आर बेसिकली मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा है हमने ये। अब जितने ज्यादा बॉन्ड्स, जितना बड़ा एटम, उतना ज्यादा रिपल्शन। अब आप ये इमेजिन कीजिए CH3 बोले तो ये कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, पीछे वाला CH3 बोले तो ये हाइड्रोजन कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, ये जो बड़ा बड़ा इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज है एक दूसरे को रिपेल करेगा ना भाई। अब ये एक दूसरे को रिपेल करेगा तो अगर मुझे 1 से पहले 2 में कन्वर्ट होना है, सबसे पहला पॉइंट अपन ये बात करते हैं कि 1 से अगर मुझे 2 में कन्वर्ट होना है तो मुझे कितने डिग्री से रोटेशन करवाना पड़ेगा, इधर सामने वाले कार्बन को या पीछे वाले कार्बन को, कितने डिग्री से रोटेट करवाना पड़ेगा। उन्नति क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया। 180 डिग्री भाई, आपको ये जो अरे तेरी, आपको ये जो मिथाइल है, इस मिथाइल को इस मिथाइल के साथ लाना है, 180 करोगे ना, समीक्षा आज एनर्जी लो लग रही है, एनर्जी कहीं पे तो भी निकल चुकी है, ठीक है। अभी एनर्जी लाने के लिए थोड़ा खाना पड़ेगा,
वो करते हैं, फिर एनर्जी आएगी। ठीक है, थोड़ा ध्यान से प्लीज फोकस करो। मिथाइल ग्रुप प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ानी है, ठीक है, मेरी एनर्जी को लेके तुम लोग वो मत हो जाओ, ठीक है। दो मिथाइल ग्रुप एक साथ में लाइन में लाना है, तो नीचे वाले को 180 डिग्री रोटेट करके ऊपर लाना पड़ेगा। ये 180 डिग्री रोटेट करना पड़ेगा ना, सीसी बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ऐसा रोटेट करके आया। अब ये जब रोटेट करके, जो पहले नीचे था एक ऊपर था, ये रोटेट करके जब ऊपर आ रहा होगा, ये ऊपर आते वक्त इसको कोई ना कोई तो रिपेल करेगा, तो किस टाइप का रिपल्शन होगा? दैट विल बी टॉर्शनल स्ट्रेन। सो ड्यू टू टॉर्शनल स्ट्रेन, वन इज मोर स्टेबल देन टू। ये चमका, चिंतन को चमका, समझ में आया क्या? मिथाइल को नीचे से ऊपर लाओगे, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ये मिथाइल जब 180 डिग्री घूम के ऊपर आ रहा होगा, तब एट दैट मोमेंट उसको दूसरा मिथाइल रिपेल कर रहा होगा, नहीं भाई नहीं आने का। तो वो रिपल्शन इज बेसिकली टॉर्शनल स्ट्रेन। बोलने को मैं रिपल्शन बोल सकता हूँ, कोई कोई गलत नहीं है, ठीक है। थोड़ा ध्यान से समझो, इंपॉर्टेंट चीज है। अभी मेरे को ये जो रोटेशन है, इस कृष्णा थोड़ी देर रुक जाना, तेरे को चांस दे रहा हूँ ना, मेरे मेरा बात कहाँ नहीं खत्म होने दे। तुम लोग एक बार बोलना चालू करते हो फिर बोलने नहीं देते हो, ठीक है, प्रॉब्लम ही है। तो ये जो रोटेशन है, एनर्जी एंड स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल कह सकते हो, एकदम सही बात है भक्ति, एनर्जी और स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और इसीलिए मैं तुमको ये जो पूरी कहानी है, ये एनर्जेटिक्स के डायग्राम पे ड्रॉ करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है। जो अनुज यादव लिख के नहीं दे रहा हूं तो क्या कर रहा हूं भाई, होल्ड तो करो। जो कॉन्फर्मर्स होते हैं ना, अपन आज डिस्कस करेंगे ब्यूटेन के कॉन्फर्मर्स, ठीक है। ब्यूटेन के कॉन्फर्मर्स को इंटर कन्वर्ट होने के लिए, ठीक है, करीब करीब 1 से लेके 20 किलो जूल के बीच की एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। मतलब अगर मैं आपको ये दोनों 1 और 2 के एनर्जी डिफरेंस की बात करूं, ठीक है, एनर्जी डिफरेंस, आपको ये पता है कि 1 ज्यादा स्टेबल है, 1 ज्यादा स्टेबल है, तो 1 क्यों स्टेबल है? क्योंकि जो बड़े बड़े ग्रुप है जो एक दूसरे को रिपेल कर सकते हैं, उसको आपने सबसे दूर रखा ना, याद है ना, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े थे अपन, VACPR, सेम चीज है वो, इलेक्ट्रॉन पेयर को आप कैसे रख रहे हो, ठीक है। मेधांश का सवाल है, हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन वोंट रिपेल लाइक मिथाइल, ऑब्वियसली नॉट, उतना तो जोर से धक्का तो नहीं मारेगा ना। मिथाइल में 3 हाइड्रोजन और 1 कार्बन है, हाइड्रोजन तो एक अकेला हाइड्रोजन है, ठीक है। तो टॉर्शनल स्ट्रेन नहीं, टॉर्शनल स्ट्रेन थ्रू आउट होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ सेकेंड में प्रेजेंट है, फर्स्ट में नहीं है, ठीक है, फर्स्ट में मिनिमल है, ठीक है। तो एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 2 इज 20, अप्रोक्स 20 है ना, 1920 के आसपास होता है, तो इसको मैं अप्रोक्स 20 किलो जूल एनर्जी उसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे मिल जाती है, ठीक है, 20 किलो जूल पर मोल पकड़। यहां तक समझ में ये बात? अब ये जो एनर्जी है, अगर मैं कॉन्फॉर्मर्स ऑफ ब्यूटेन की बात करूं, तो सबसे स्टेबल कॉन्फॉर्मर कौन सा है? सबसे स्टेबल कॉन्फॉर्मर है 1, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों के लिए ये सारे कॉन्फॉर्मर्स एक बार ड्रॉ करना चाहूंगा, ठीक है। अपन या तो मोस्ट स्टेबल से स्टार्ट कर सकते हैं या फिर मोस्ट अनस्टेबल से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। आई वुड सजेस्ट कि हम मोस्ट स्टेबल को अपन बीच में रखते हैं,
अभी जो मिथाइल ग्रुप है उसको मैं ऐसा एमई एमई लिखूंगा, ठीक है। हाँ दिस इज द मोस्ट स्टेबल, ठीक है। यू आर सेइंग ब्यूटेन बट इन द डायग्राम इट इज इथेन, कौन है ये? धनंजय क्या खा के बैठा है? हाँ? शनिवार है ना आज, शनिवार को कुछ ऐसा ज्यादा कोई प्रसादी लेके बैठता है क्या? ऐसे मत कर, मैं तुम्हारे कमेंट पढ़ रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग ज्यादा हवे में उछलने लग जाओ, ठीक है। अभी क्या करेंगे अपन, इसको घुमाएंगे, ठीक है। जब अपन इसको घुमाएंगे तो ये थोड़ा अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल क्यों होगा? अब आप देखो किसी भी डायग्राम किसी भी डायरेक्शन में घुमाओ अनस्टेबल होगा, ठीक है। सेकेंड विल रिपेल मोर, रुक जा कृष्णा आ रहा हूं मैं उस पर, ठीक है। अभी अनस्टेबल क्यों होगा? क्योंकि अब मिथाइल जो है ना इस हाइड्रोजन के पीछे आएगा। कितने डिग्री रोटेशन करेंगे अपन? सिर्फ 60 डिग्री रोटेशन करेंगे। किलो जूल पर मोल, जय शिव तारकर, किलो जूल पर मोल। कितने डिग्री रोटेशन करेंगे अपन? सिर्फ 60 डिग्री रोटेशन करेंगे। तो 60 डिग्री रोटेशन में आपको ये जो चीज मिलेगी इसका नाम है, इसका नाम है, दो नाम होते हैं, इक्लिप्स एंड, एक सेकेंड पहले इसको मैं लिख दूं, ग्रीन वाला मिथाइल है, ठीक है। हाँ तो दो दो बेसिक नाम है जिसको अपन अक्रॉस दिस ये देखेंगे। इसमें भी ये साइड का भी डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ, इक्लिप्स फॉर्म एंड स्टैगर्ड फॉर्म, ठीक है। नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा क्वेश्चन आता है नाम पे। आप ये बात समझ रहे हो ना, मैंने दोनों अलग अलग साइड में रोटेट किया लेकिन एनर्जी तो सेम रहेगी ना, सेटअप तो सेम ही है। आपने थोड़ा इधर रोटेट किया या थोड़ा इधर रोटेट किया, मिथाइल ग्रुप हाइड्रोजन के साथ ओवरलैपिंग हुआ है, ठीक है। 100% इक्लिप्स नहीं हुआ। ये जो ऊपर वाला जो केस है, ये जो फॉर्म है ना, ये अपन ने यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको, इसका नाम है इक्लिप्स फॉर्म। इक्लिप्स का मतलब समझ में आता है अंग्रेजी में? इक्लिप्स बोले तो वो जब सूरज के सामने चांद आ जाता है तो अपन उसको इक्लिप्स बोलते हैं ना, ओवरलैप, बराबर, एक के पीछे दूसरा छिप गया, क्या बात। और ये दूसरा जो फॉर्म है इसको बोलते हैं स्टैगर्ड फॉर्म, ठीक है। स्टैगर्ड बोले तो बीच में, ठीक है, एग्जैक्ट ओवरलैप नहीं हो रहा है, बीच में। अब इक्लिप्स में भी दो टाइप होंगे, पार्शियल इक्लिप्स एंड टोटल इक्लिप्स। ये जो आप देख रहे हो ना फुल्ली इक्लिप्स भी बोलते हैं उसको। ये जो आपने मिथाइल के पीछे पीछे मिथाइल छिपा, हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन छिपा, दूसरा हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन छिपा, इसको हम लोग बोलेंगे फुल्ली इक्लिप्स। तो ये जो दिख रहा है आपको, ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं फुल्ली इक्लिप्स। लेकिन यहाँ जो नीचे बने हुए ना ये दोनों, ठीक है, इन सबको स्ट्रक्चर को अपन एक एक नंबर देंगे, होल्ड करो। ये जो बीच में ये जो दोनों बने हुए, ये वाला और ये वाला, दे आर पार्शियल इक्लिप्स। टोटल इक्लिप्स या फुल्ली इक्लिप्स तब बोलते हैं जब मिथाइल के पीछे मिथाइल होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन के पीछे मिथाइल छिपा हुआ है, तो इसको अपन पार्शियल इक्लिप्स बोलेंगे, ठीक है। पार्थ गांधी को पहले टेंशन आ गया, कल है क्या टेस्ट में कंफर्मर? अरे पढ़ाई में क्यों ध्यान नहीं देते हो यार तुम, सिर्फ टेस्ट के लिए पढ़ाई करोगे क्या? अच्छा अब आगे देखो ध्यान से, अब क्या होगा? अब अगला जो फॉर्मेट है वो इसके कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल है,
इसके कंपैरिजन में जो आपने ग्रीन कलर में लिखा मी, मी का मतलब एमी, मिथाइल ग्रुप, सोहम, क्या आएगा? क्या रे बाबा, तुम लोग वैसे क्या शनिवार को कुछ अलग लेके बैठते हो क्या कुछ? हाँ, मी बोले तो मिथाइल, मी 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 किए जा रहे थे, तब से चार छह लोग मी मी कर दिए। मैं बोल रहा हूँ ना भाई, चिल्ला चिल्ला के। अच्छा, ऊपर से नीचे आया, तुमको ऐसा कंपैरिजन नहीं चमकता क्या? ऐसा CH3 के जगह पे मी लिख दिया, बोले तो वो CH3 जो होएगा। क्या लोग यार, कहाँ से उठा के आए यार? एग्जाम देना है तुम लोगों को, नहीं देना यार? है बेसिक इंटेलिजेंस होता है ना यार ये, आप कंपैरिजन करके अंदाजा लगा लो थोड़ा बहुत। बॉम्ब से उड़ा दे मनल, बॉम्ब वेस्ट हो जाएगा पागल। तेरे को मालूम है बॉम्ब फोड़ने में कितना आज की तारीख में पोल्यूशन होता है? चार छह पोलार बियर एक्स्ट्रा मर जाएंगे, वो जितना हीट बनेगा उससे जितना क्लाइमेट चेंज होएगा। अभी अपन ने 60 डिग्री और घुमाया, ठीक है? अब तो आप बोलोगे 60 60 डिग्री घुमा रहे हो कहाँ पे, कैसे हमको अंदाजा लगेगा? एक काम करता हूँ तुम्हारे लिए ना, एक मस्त पैकी यहाँ पे एंगल वाला वो बनाता हूँ, ठीक है? अपन एंगल बनाते, नीचे जो है नीचे एंगल लिखते, लेट्स से दिस इज 180 डिग्री, बोले तो ये कितना होएगा? दिस इज 120 डिग्री, बोले तो ये कितना आएगा? दिस इज 60 डिग्री, बोले तो ये कितना आएगा? दिस इज 240 डिग्री, ये कितना आएगा? ये होएगा 300 डिग्री, है ना? 0 से 360 डिग्री रोटेशन का पूरा वो बना रहा हूँ, सेटअप बना रहा हूँ, ठीक है? मानस सोनौने का एक एकदम ही गवार सा सवाल है, बॉम्ब फोड़ने पे, ग्रेनेड फोड़ने पे भी पोल्यूशन होगा क्या? क्या आएगा वापस? तेरे लक्ष्मी बॉम्ब फोड़ने से भी पोल्यूशन होता रे? हाँ, सुतली बॉम्ब, लक्ष्मी बॉम्ब में पोल्यूशन हो जाता है, ये तू ग्रेनेड की बात कर रहा है। अभी ध्यान से देखो, मिथाइल मिथाइल नजदीक आ रहा है, ठीक है? मिथाइल मिथाइल एक दूसरे के पास आ रहा है। अब ये अगर एक दूसरे के पास आ रहा है तो स्टेबिलिटी थोड़ा कम होएगा, है ना? स्टेबिलिटी कम क्यों हो रहा है? क्योंकि रिपल्शन बढ़ रहा है। बट आप ये चीज देख रहे हो ध्यान से कि सबसे ज्यादा अनस्टेबिलिटी कब था? जब इक्लिप्स फॉर्म था, इक्लिप्स फॉर्म में ज्यादा अनस्टेबिलिटी था, वेर एज इन केस ऑफ ये वाला फॉर्म अपना जो क्या बोलते हैं स्टैगर्ड फॉर्म, कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल है। अभी आखिरी वाला जो सेटअप है वो सबसे अनस्टेबल है, वो है सबसे अनस्टेबल। कौन है वो? दैट विल बी टोटल इक्लिप्स्ड। ज्यादा छोटा हो गया, एक मिनट, ये ड्रॉ करना चालू कर दो साथ साथ। ये फर्स्ट एंड लास्ट वाला सेम ही कंपाउंड है, ठीक है? अब ये समझ लो 360 डिग्री रोटेशन हो गया। श्रेय का सवाल है, 60 डिग्री का एनर्जी 120 से ज्यादा होना चाहिए? नहीं श्रेय, 120 वाला जो है वो है इक्लिप्स फॉर्म, ठीक है? जबकि 60 डिग्री वाला जो है इट इज अ स्टैगर्ड फॉर्म।
एक चीज ध्यान रखना, स्टैगर्ड फॉर्म की एनर्जी हमेशा इक्लिप्स से कम ही रहेगी। एनर्जी डायग्राम देख रहे हो आप, उतना सुंदर लाइन नहीं आया, लेकिन दीज आर डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल। लेट मी नेम देम। लेट से दिस इज कंपाउंड वन, दिस इज कंपाउंड टू, दिस इज कंपाउंड थ्री। दे आर ऑल सेम कंपाउंड, जस्ट स्ट्रक्चर वन, स्ट्रक्चर टू, स्ट्रक्चर थ्री, फोर, दिस वन इज फिफ्थ, दिस वन इज सिक्स, एंड अगेन आखिरी वाला जो है दैट इज नॉट द सेवेंथ, इट इज अगेन द फर्स्ट। करते जाओगे वापस फर्स्ट पे पहुंच जाओगे। तो 0 डिग्री विल बी मोर स्टेबल, नहीं इट विल बी लेस स्टेबल। ये जो है आप जो देख रहे हो दिस इज एनर्जी कर्व, ठीक है। एनर्जी में जिसकी एनर्जी ज्यादा है, वो कम स्टेबल है, जिसकी एनर्जी कम है वो ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। अगर अंदाजे की भी मैं बात करूँ ना, तो आप ऐसा सोचो कि जस्ट से फॉर डिस्कशन, दिस इज एट 1 किलो जूल, तो दिस विल बी एट 20 किलो जूल, एनर्जी इन किलो जूल पर मोल। समझा क्या आपको? इनके सबके नाम है, सबके नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट नाम है। आपको ये समझ में आ रहा है? टू फोर एंड सिक्स, टू फोर और सिक्स जो है ये स्टैगर्ड है, और वन थ्री एंड फाइव ये जो है ये इक्लिप्स फॉर्म है। तो वन थ्री फाइव ये है आपके इक्लिप्स्ड। मुझे 1 मिनट दो, मैं 1 मिनट में आया। आप इतना लिखो, मैं 1 मिनट में आया। हाँ भाई, सो वन थ्री और फोर जो है ना, मींस एनर्जी इंक्रीज स्टेबिलिटी डिक्रीज, करेक्ट, एनर्जी डिक्रीज स्टेबिलिटी इंक्रीज। ऋतुजा देखो, एनर्जी स्टेबिलिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है ना,
वो ऐसा सोचो कि पैसा जो है ना, बहुत ज्यादा पैसा अगर आपके पास आ गया तो आप मेंटली अनस्टेबल रहोगे ना, कि कहाँ डालू, क्या करूँ, इससे मैं क्या लू क्या नहीं लू। चार ऑप्शन लेंगे, आईफोन ले, सैमसंग ले, ये ले वो ले, है ना। उसके बाद और पैसा आ जाएगा, फिर आप बोलोगे इंडिया में मैं बंगला खरीदता हूँ, फिर आपको लगेगा कि अरे नहीं मैं ग्रीस में लेता हूँ, नहीं, मैं यूके में लेता हूँ। फिर क्या, पैसा बढ़ते जाता है, टेंशन बढ़ते जाता है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे भी एनर्जी बढ़ती जाती है, टेंशन बढ़ते जाते, बात उतना ही है। जिसके पास एनर्जी कम, उसके पास टेंशन कम है। सिद्धार्थ का कहना है म्यूचुअल फंड सही है, भारत का कहना है लैम्बोर्गिनी सही है, चेतन बोल रहा है आईफोन पे जाओ। कहने का तात्पर्य इतना है, बस याद रखने का तरीका है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ पैसा जरूरी नहीं है, बहुत जरूरी है, एनर्जी तो सबके लिए जरूरी, ठीक है। बट एनर्जी से केओस नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे केओस हो जाता है, इसलिए स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। चलो ध्यान से देखो, 1, 3, 4, 5 जो है, जैसे पैसे ऐसी बात करो तो सब लोग क्या इंटरेस्ट आ जाता है एकदम से, ओ हो, फुल चुप बैठने वाले लोग भी कमेंट करने लग जाते हैं। ऐसा है, मतलब पैसे की बात करो, पैसा बोलता है 2, 4 एंड 6, ये जो कॉन्फर्मर्स है इनको हम लोग बोलेंगे स्टैगर्ड वाले। ये समझा गया तुमको, याद है, क्लियर है। एनर्जी इज वाइब्रेशन सो अनस्टेबल, ये चैतन्य एनर्जी जो है, एनर्जी आपके पास रहती इसलिए क्योंकि उसमें वाइब्रेशंस होते हैं, अलग अलग फॉर्म के काइनेटिक एनर्जीज होती है, मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट होता है ना, सारे फॉर्म्स होते हैं, तो इसलिए वो अनस्टेबिलिटी देता है, ठीक है। चिंतन थोड़ा जूम आउट करूं, यहां तक सबको समझ में आ रहा है क्या, क्या बात चल रही है, ठीक है। आपको अटेंडेंस लेना, 1 सेकंड होल्ड कीजिए। हैंड रेस कर दीजिए ना एक बार, हाँ जस्ट सेकेंड। नहीं, सबको नहीं हैंड रेस करने को बोला, ठीक। हाँ तो दिस इज लाइक द एनर्जी डायग्राम फॉर कॉन्फॉर्मर्स, ठीक है। तो स्टैगर्ड जो है, अभी स्टैगर्ड में भी दो है, ठीक है, स्टैगर्ड के दो फॉर्म है, इसलिए मैंने नीचे में नहीं लिखा, मैंने ऊपर में लिखा, क्योंकि नीचे में मैं दूसरे नाम लिखने वाला हूं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, स्टैगर्ड के जो दो कॉन्फॉर्मेशन है, एक है 4 जो कि सबसे ज्यादा स्टेबल है, और बाकी दोनों है 2 और 6, ठीक है। ये जो 4 है, 4 को कहा जाता है एंटी, अरे यार ये गोल्डन तो खत्म हो गया यार, गोल्डन की जगह अब नवा कौन सा यूज करे। डिंग 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 डिंग, पिंक पे आते, पिंक। दिस इज एंटी कॉन्फॉर्मर। एंटी क्यों? दो जो मिथाइल है दोनों अपोजिट साइड में, इसलिए इसका नाम है एंटी, ठीक है। 2 और 4 जो है ना, इनका नाम है गौचे। अभी गौचे बोल सकते हो, गौश बोल सकते हो, GAUCHE। अच्छे अंग्रेजी में बोलना चाहो तो गौश बोलो, ठीक है। बाकी अपनी गाउटी लैंग्वेज में बोलना है तो गाउचे बोलो। पुष्कर तू गुच्ची बुला, ठीक है, तेले गुच्ची। 3 एंड 5 अब ध्यान से सोचिएगा, मराठी में गावचे, ठीक है, गावचे चालेल। 3 और 4, 3 और 5 जो है ना, दे आर कॉल्ड पार्शियल इक्लिप्स। ठीक है, 3 और 5 है पार्शियल इक्लिप्स, और 1 जो है दैट इज फुल्ली इक्लिप्स्ड। तो आपको ये समझ में आ रहा है, अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करना चाहूँ, ठीक है,
स्टेबिलिटी में सबसे स्टेबल स्टैगर्ड फॉर्म, स्टैगर्ड में भी एंटी सबसे ज्यादा स्टेबल, ठीक है। वेदांत में कोणत्या गावचा, यवतमाळ, ऐकलं आहे का तू? टोटल इक्लिप्स इज लीस्ट स्टेबल, एक्झॅक्टली, ठीक आहे। बघते चलो आगे बढ़े। 120 के जगह पे 60 डिग्री होना चाहिए। किस खुशी में है? टीशा, 120 के जगह 60 क्यों होना चाहिए? डायग्राम थोड़ा किसके रहेगा? अरे अंदाजा से समझ लो ना, गॉस गॉस स्ट्रक्चर जो होता है। आविष्कार का सवाल है, हाउ डिड यू डिफरेंशिएट बिटवीन गॉस एंड एंटी? गॉस एंड एंटी में डिफरेंशिएट करने के लिए मिथाइल की पोजीशन देखो। गॉस कंफर्मर में मिथाइल जो है एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, लेकिन ये एक स्टैगर्ड फॉर्म है, ठीक है। एंटी में मिथाइल दोनों एक दूसरे के 180 डिग्री पे, ठीक है। आकांक्षा और जूम आउट करू, नीचे स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखना चाहूंगा। स्टेबिलिटी ऑफ गॉस ग्रेट सॉरी एंटी ग्रेटर देन गॉस ग्रेटर देन पार्शियल इक्लिप्स ग्रेटर देन टोटल या फुल्ली इक्लिप्स। इज इट ओनली फॉर ब्यूटेन? हाँ करते हैं, मानस अलग कंपाउंड के साथ भी करते हैं। श्रेय ठक्कर को इक्लिप्स और स्टैगर्ड नहीं समझा क्या? श्रेय ठक्कर शनिवार को क्या करके बैठे हो यार तुम लोग? इक्लिप्स स्टैगर्ड क्यों नहीं समझ में आ रहा? एक दूसरे के पीछे छिप गया तो इक्लिप्स, एक दूसरे के बीच में से ऐसा सा दिख रहा है तो स्टैगर्ड। सोहम का सवाल है, 30 डिग्री का भी कुछ नाम है? तू रख ले तेरे हिसाब से। अरे है उतने नाम तो याद कर ले पहले। ये सारे के सारे सेम कंपाउंड है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ये सारा का सारा कंपाउंड एक ही है और कोई अलग कंपाउंड नहीं है। कृष्णा तब से क्या तेरे को क्या बोलना है रे बाबा? कृष्णा तब से बोलने की इतनी इच्छा हो गई तेरे को, बोल जल्दी से बता दे। सर तो स्टैगर्ड विल बी मोर स्टेबल देन एक्लिप्स ना? तो मैंने क्या लिखा है? नहीं मेरे को डाउट है, हाउ टू इज मोर स्टेबल देन थ्री? क्योंकि टू इज स्टैगर्ड, थ्री इज इक्लिप्स्ड, उतना ही रीजन है। हाँ यार ये तो चिल्ला चिल्ला के बोल दिया यार मैंने। ओके सर, ये जो है आपका ये दोनों स्टैगर्ड ही है ना? ठीक है, आप एनर्जी के टर्म्स में भी एक्सप्लेन कर सकते हो। मैंने एनर्जी के टर्म्स में भी दिखाई दिया है आपको, आप एनर्जी के टर्म्स में देख सकते हो ना, जिसकी कम एनर्जी वो ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो अभी समझो, ये जो चीज है, ये चीज क्या? डाउट नहीं क्लियर हुआ श्रेय ठक्कर तेरा? डाउट आखिरी के 5 मिनट में पूछना है, काम करो, एक चीज मेरे को खत्म करने दो। आदित्य बोल रहा है 3D में ज्यादा क्लियर होगा। नहीं होगा, 3D में तुम कंफ्यूज होकर मर जाओगे, लिख के ले लो मेरे से। तुम्हारे को 2D नहीं क्लियर हो रहा, तुमको 3D क्या से क्लियर होगा? विधि, व्हाट इज रेसमिक मिक्सचर? रेसमिक मिक्सचर इज दो एनेंशियोमर का 50-50% कॉन्सेंट्रेशन।
एक राइट में घुमाने वाला, एक लेफ्ट में घुमाने वाला, मतलब एक डेक्स्ट्रो एक लीवो, दोनों सेम कंपाउंड के, दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज थे। आप 50-50% दोनों को मिला के एक सॉल्यूशन बना दो, दैट इज रेसमिक मिक्सचर। ठीक है, इक्लिप्स वुड रिएक्ट मोर इजीली देन स्टैगर्ड। हाई एनर्जी है तो आप कह ही सकते हो। ठीक है, अभी ध्यान से सुनो, ये सबने डायग्राम बना लिया, इस डायग्राम को ध्यान से आज 4 बार देखना। ठीक है, ये सिर्फ 2D में ही समझ सकते हो, 3D में नहीं समझ पाओगे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, तुमको उल्टी होना चालू हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द 2-3 डायमेंशनल बेस्ड डैश स्ट्रक्चर। ठीक है, एनर्जी ऑर्डर विल बी अपोजिट, बिल्कुल। चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, दो डायग्राम बना रहा हूं, आप बताइएगा कौन सा ज्यादा स्टेबल है। और मुझे कंपाउंड का नाम भी बताना, ये कौन सा कंपाउंड है। किस कंपाउंड को देख रहे हो, सेम कंपाउंड का डायग्राम 1 और 2 है, क्या है ये कंपाउंड का नाम। वन कॉमा टू डाइक्लोरोन, बिल्कुल सही पकड़े हो, दिस इज 1,2-डाइक्लोरोन। कौन सा फॉर्म स्टेबल है, 1 या 2, 1 या 2 कौन सा स्टेबल है, जल्दी से सबका जवाब चाहिए। 350 लोग बैठे हैं यहाँ पे, इसमें भी 1 डाला किसने, शान ने जवाब डाला 1। और ध्यान से देखो ना भाई, ये तो है ना बड़े बड़े ग्रुप जिसमें रिपल्शन मैक्सिमम हो सकता है, जो मैक्सिमम हो सकता है रिपल्शन वो क्लोरीन क्लोरीन के बीच में होगा, हाइड्रोजन के बीच में तो नहीं होएगा। तो फिर कौन सा ज्यादा स्टेबल हुआ, 2 स्टेबल हुआ ना भाई। हैं, सिंपल है क्वेश्चन, एक और देखते हैं। कंपाउंड कौन है ये, किस कंपाउंड को देख रहे हो आप। थर्ड और फोर्थ नेमिंग दिया है, इथेन है ये, नॉर्मल इथेन है। इथेन के 2 फॉर्म देख रहे हो आप, ब्यूटेन नहीं है, इथेन है। सारे तो हाइड्रोजन लगे हैं, केवल 2 कार्बन है, एक ये डॉट और एक वो सर्कल। इथेन के 2 कंफर्मर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, क्या इसके 2 ही कंफर्मर हो सकते, इसमें 2 ही हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि है ही हाइड्रोजन, विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन देखोगे या तो स्टैगर्ड होगा या फिर इक्लिप्स होगा। कौन सा स्टेबल होगा, स्टैगर्ड स्टेबल होगा, बिना बिना किसी डाउट के। 1 इज मोर स्टेबल, क्यों, क्योंकि स्टैगर्ड है। ठीक है, अगला देखो। कंपाउंड कौन सा है बताओ पहले मेरे को, कंपाउंड का नाम क्या है। इथेनॉल नहीं है ये, 1,2-ethane-diol है, बिल्कुल सही बात है। इसका दूसरा कोई नाम है क्या, जनरल नेम, जनरल नेम अपन ने याद किया था एक,
किसको याद आ रहा है? इथेन 1.2 डायोल का कॉमन नेम एक याद आ रहा है किसी को? एसीटोन? नहीं वेदांत, एसिटिक एसिड। क्या बात कर रहे हो सानी का, कहाँ ले जा रही हो कहानी को? इथिलीन? नहीं आविष्कार, इथिलीन तो डबल बॉन्ड वाला है। इथॉक्सीथेन? वैष्णव का कहना है शराब, अनुज को डाउट ही रहता है। मैलिक एसिड? दिया, एसिड में मत जाओ भाई, एसिड के लिए सीओएच चाहिए। इथिलीन ग्लाइकोल, थैंक यू सो मच। धनंजय, तालिया, धनंजय के लिए तालिया। भूमि भी सही टाइम पे। इथिलीन ग्लाइकॉल, दिस इज इथिलीन ग्लाइकॉल, थैंक यू सो मच। मेरे को डर था कि नहीं बताएगा कोई। ठीक है, इथेन 1.2 डायोल, बताइए कौन सा स्टेबल है? 5-6 कौन स्टेबल है ज्यादा? 5 और 6 कौन ज्यादा स्टेबल है? सिंपल क्वेश्चन है, 5 और 6 कौन सा ज्यादा स्टेबल है? जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, जेई मेंस का क्वेश्चन है, 6 ज्यादा स्टेबल है। डिंग 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 डूंग 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 डूंग। ऐसा सास बहू के सीरियल में 5 और 6 तीन बार नहीं 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 वाला है ना ये तेरा। म्यूट कर अपने आप को, वापस अनम्यूट मत करना, बीच में बोलना ही नहीं जब तक मैं बोलूंगा नहीं तब तक। कृष्णा, बताने वाला हो ना? हाइड्रोजन बॉन्डिंग सुने हो? हाइड्रोजन बॉन्डिंग सुने हो ना? कहाँ हो सकता है? दिखा क्या? 5 में हो सकता है? नहीं हो सकता। अब आप बोलोगे आपने तो बोला था स्टैगर्ड मोर देन, अरे बोला था ना, सबने सही बात पकड़ा है, तभी तो जेई ने ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन जेई में भी आया है, नीट में भी आया है, मजाक नहीं कर रहा हूँ। सेम क्वेश्चन अलग फॉर्म में आएगा, रिपीट होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक ऐसी चीज है जिसको हमेशा देखते रहना है आपको। ठीक है, क्लियर है सबको? अब ये चीटिंग है तो चीटिंग है श्रावणी, अपने हाथ में क्या है ना, इसलिए मैंने एग्जाम्पल करवाया। पहले तुम लोगों को फ्लो फ्लो में लाया और फिर सबसे 5 आंसर लिखवाया। ठीक है, इसका कॉमन नेम क्या है? इथिलीन ग्लाइकॉल। ठीक है, आगे बढ़े। लेट अस टॉक अबाउट साइक्लोहेक्सेन, व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग? चैतन्य पूछ रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्सप्लेन करो। केमिकल बॉन्डिंग में नहीं पढ़ाया क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग? मानस बोल रहा है नहीं पढ़ाया। सिर्फ नए वाले बच्चे जवाब दो। चैतन्य को याद आ गया? मानस बोल रहा है न्यू बैच को नहीं पढ़ा। तो न्यू बैच वालों शॉर्टकट में समझो, ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन, ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन, ये तीन अगर एटम से हाइड्रोजन अटैच्ड है तो ऐसा हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जाने की काबिलियत रखता है। ठीक है, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, बस अभी के लिए इतना जान रखो, बाकी की चीज आपको बाद में पढ़ा दी जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं, जल्दी से मैं बात करता हूँ साइक्लोहेक्सेन की। मोक्ष एक और बार क्या बोलूं? ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक और बार बोलूं? मैं बस इतना बोल रहा हूं के नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, इनसे जो भी अटैच हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जाने की काबिलियत रखता है। ठीक है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन और फ्लोरीन से
अटैच्ड जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन का थोड़ा पार्ट मैं अभी आपको बताऊंगा, बाकी का पार्ट सिर्फ एडवांस वालों को बाद में बताऊंगा। ठीक है, अभी के लिए बस एक बेसिक चीज समझो, क्या साइक्लोहेक्सेन में कॉन्फॉर्मर पॉसिबल है? तो हाँ है, सिंगल बॉन्ड है तो कॉन्फॉर्मर पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे तो साइकिल है, यहाँ पे तो रिंग है, फिर हम कैसे कन्फर्मर करेंगे? तो रिंग होने से क्या होगा, रिंग होने से यहाँ पे स्ट्रेन्स होंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेन्स होंगे, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ रही है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं, सॉरी, लेकिन कॉन्फर्मेशन होगा। ठीक है, तो अपन थोड़ा ध्यान से समझते हैं साइक्लोहेक्सेन दिखता कैसा है। ठीक है, ये है साइक्लोहेक्सेन, हमारे लिए टू डायमेंशनल डायग्राम है, लेकिन ये टू डायमेंशनल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको पता है कि सारे के सारे कार्बन पे दो हाइड्रोजन लगे हुए, इसका मतलब सारे के सारे कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज। अब थोड़ा सा ध्यान से सोचना, sp3 हाइब्रिडाइज बोले तो क्या बोले, तो इनको 109 डिग्री पसंद है ना, 109 डिग्री इनके बीच का एंगल हो टेट्राहेड्रल जैसा, तो बढ़िया है। लेकिन अगर मैं इसको टू डायमेंशनल देखूंगा तो हर एक के बीच में एंगल 120 हो गया, 120 तो नहीं हो पाएगा। बेंजीन में तो होता है, लेकिन बेंजीन में sp2 हाइब्रिडाइज होता है, sp2 हाइब्रिडाइज तो होता ही 120 पे, ये sp3 हाइब्रिडाइज है, प्रॉब्लम यहाँ पे ये है। तो साइक्लोहेक्सेन जो है इसके कंफर्मर होते हैं। ठीक है, इसके कंफर्मर्स मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना। ये है साइक्लोहेक्सेन, ये भी है साइक्लोहेक्सेन, ये जो है ये ट्विस्टेड फॉर्म है, ये मैं ढंग से बना नहीं पा रहा हूं, मैं तुम लोगों को ये चीजें गूगल पे दिखाना चाहूंगा। केमिकल बॉन्डिंग में देखा था ये आकांक्षा, सच में तो बहुत बढ़िया, मेरा आधा काम हो गया। क्या आप लोगों को दिख रहे हैं कंफर्मर्स? क्या बात है, बीच वाली कुर्सी, यस, ये बीच वाली कुर्सी ही है। इनके सिंपल स्ट्रक्चर दिखाओ तो ये देखो, ये सिंपल स्ट्रक्चर है, देख पा रहे हो आप लोग, ये सारे साइक्लोहेक्सेन के सिंपल स्ट्रक्चर है। ए जो है, ए इज कॉल्ड चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, बी जो है, बी को बोला जाता है ट्विस्टेड फॉर्म, और सी जो होता है, सी को बोला जाता है बोट फॉर्म।
ये तीन फॉर्म समझ में आए आपको? ए पार्ट दोनों के दोनों चेयर फॉर्म, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया था ना, ये देखो, ये चेयर फॉर्म है पहला वाला, ठीक है, दूसरा वाला बोर्ड फॉर्म, तीसरा वाला ट्विस्टेड फॉर्म, ठीक है। तुमको ये ड्रॉ नहीं करना, ये तुम्हारे तक आ जाएगा, ठीक है, ये तुमको शीट मिल जाएगी तो तब तुम आराम से बैठ कर ड्रॉ करना देख के। पहले बस समझो बात को, ये जो है ये तीन फॉर्म्स है कॉन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। अभी साइक्लोहेक्सेन में आपको समझ में आ रहा है सी सी बॉन्ड रोटेशन है? बिल्कुल है। क्या सी सी बॉन्ड पूरी तरह से रोटेट हो जाएगा? नहीं होएगा। अनुज ज्यादा बोल रहा है, हाउ टू फोकस ऑन लेक्चर इन नॉइज। क्या मेरे साइड से नॉइज आ रहा है क्या? साउंड क्लियर आ रहा है आप लोगों? ठीक है, मानस का सवाल है साइक्लोहेक्सेन की न्यूमैन प्रोजेक्शन कैसे होगा, वो भी बना रहा हूँ, ठीक है। अच्छा अनुज में फालतू की मस्ती है ना, करते हैं उसको इग्नोर। अभी ध्यान से सुनो, यहाँ पे आपके पास मल्टीपल टाइप ऑफ स्ट्रेन एग्जिस्ट कर, ठीक है। आपने ये देखा था कि जो अपना नॉर्मल ये था, क्या बोलते ब्यूटेन था, ब्यूटेन के जो कंफर्मर थे उसमें आपको सिर्फ टॉर्शनल स्ट्रेन आ रहा था। टॉर्शनल स्ट्रेन आपको यहाँ पे भी आएगा, है ना? तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेन जो आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे, इसमें एक तो है आपका टॉर्शनल स्ट्रेन, ये सबको पता है रोटेट होने में दिक्कत आ रही है। दूसरा जो स्ट्रेन है वो है एंगल स्ट्रेन, ध्यान से सुनना। एंगल स्ट्रेन क्या है? कार्बन चाहता था 109 डिग्री का उसका एंगल रहे, ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत तो उसको दबना पड़ता है, थोड़ा बहुत एक्सपांड होना पड़ता है, ठीक है। तो नॉट एबल टू मेंटेन 109.5 डिग्री, जैसा आपके एनसीईआरटी में दिया है, या 109 डिग्री 28 मिनट्स टू बी वेरी एक्यूरेट। तो नॉट एबल टू मेंटेन दैट एंगल रिजल्ट्स इनटू व्हाट? एंगुलर स्ट्रेन, एंगल ज्यादा है, ठीक है। तो एंगल स्ट्रेन मतलब क्या हुआ? नॉट एबल टू मेंटेन, मैं 109 ठीक है, क्योंकि क्या है ना, क्लोज है ना, साइक्लिक है, साइक्लिक है तो वो थोड़ा बहुत ऐसा ये भी होएगा, क्या बोलते हैं उसमें, एंगल जो होगा वो एग्जैक्ट 109 का भी नहीं रह पाए। दिस इज एंगल स्ट्रेन। देयर आर मल्टीपल स्ट्रेन, टॉर्शनल स्ट्रेन है, एंगुलर स्ट्रेन है, इसको छोड़ के एक और स्ट्रेन है जिसको अपन स्टेरिक रिपल्शन बोलते हैं, ठीक है। तो स्टेरिक तो रहेगा ही, स्टेरिक को आपको नहीं स्टडी करना, स्टेरिक वाला पार्ट ये सिर्फ एडवांस में हम लोग बात करेंगे। मैंने सेकंड लिख दिया, नहीं, ओह माय मिस्टेक। तो स्टेरिक स्ट्रेन जो है इसको अपन सिर्फ स्टडी करेंगे एडवांस के लिए, क्योंकि वो आपको स्टडी करवाएगा कार्बन के ऊपर जो दो ग्रुप लगे हुए हाइड्रोजन, उनकी पोजीशंस, ठीक है। तो कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन है उनकी भी पोजीशंस होती है, और वो पोजीशंस मेंस में ऐसा नहीं आता उसके ऊपर क्वेश्चन, ठीक है। एडवांस के लेवल पे अगर आना है तो उस पर क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो अपन उसमें पढ़ेंगे, मेंस वाले पढ़ सकते हैं, नीट को नहीं पढ़ना है आपको। नीट वाले साइक्लोहेक्सेन को भी थोड़ा सा रिलैक्स ले सकते हो, कभी पूछा नहीं गया, ठीक है। श्रेयस को एंगल स्ट्रेन नहीं समझा? अच्छा श्रेयस ध्यान से सोच, अगर मेरे पास साइक्लो प्रोपेन है, साइक्लोप्रोपेन में एंगल स्ट्रेन रहेगा कि नहीं रहेगा? साइक्लोप्रोपेन का एंगल होना चाहिए था कार्बन कार्बन के बीच का 109 डिग्री 28 मिनट, लेकिन नहीं है। कितना है यहाँ पे? 60 डिग्री के आसपास। समझ रहा है क्या?
नीट वाले लीव कर सकते हैं। अरे 2 मिनट रुको, सभी लीव कर सकते हो। एडवांस का सेशन नहीं खींच रहा हूँ आज, ठीक है, अगले सेशन में करवाऊंगा, ठीक है। ये दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। अब ये सोचिए आइसोमरिज्म इसके साथ खत्म हो जाएगा, अनुज जादव तेरे को मैं ब्लॉक कर देगा, ठीक है। तो आइसोमरिज्म इसके साथ एंड होता है, ठीक है। एडवांस वालों के लिए आइसोमेरिज्म का एक और सेशन होगा और वो मोस्टली मैं अलग से लगाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग बस ये ध्यान रखिए कि अब आपको आइसोमेरिज्म जो है इसमें कंफर्मर वाला पार्ट भी आपका हो चुका है, ठीक है। ये एक डायग्राम आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। अगला चैप्टर कौन सा होगा? अगला चैप्टर होगा जीओसी का, मतलब आप कह सकते हो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जिसमें अपन स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, ठीक है। तो ये मैं अभी आपको भेज दूंगा, ये आपको पूरा का पूरा इसको आ जाएगा। वो कब होगा? वो नेक्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यस यस, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मैं है, कभी इसके ऊपर एक क्वेश्चन होगा ना, पहले एक सेशन होगा जिसमें अपन सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। एक सेशन होगा जो आइसोमेरिज्म पे सारे क्वेश्चंस अपन एक बार देखेंगे, किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, पीवाई की उठा के सॉल्व करेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ेंगे, उसके बाद आगे की कहानी देखेंगे, ठीक है। चलो मॉड्यूल से सॉल्व करेंगे, यस डेफिनेटली। फिर नेक्स्ट इसमें अपन स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स इन different different compounds। अथर्व साइक्लोहेक्सेन के कॉन्फर्मर्स का क्या रिलेशन है, वो भी मैं इसमें डाल देता हूँ, मैंने दिखाया तो था ही, उसको मैं डाल देता हूँ, एक मिनट होल्ड करो इमेज। थोड़ी चीप इमेज लग रही है, थोड़ी और अच्छी महंगी इमेज दिख रही है क्या? ये भी थोड़ी सस्ती ही लग रही है, ये थोड़ी लग रही है कि महंगी वाली। चलो यही बेटर है, एटलीस्ट इसमें अपने पास एनर्जी वैल्यूज दी है, ठीक है। ये मैं आप लोगों को भेज दे रहा हूँ, आप टेंशन मत लो। स्टेरिक, स्टेरिक रिपल्शन मतलब जैसे CH3 CH3 दो बड़े ग्रुप है ना, वो एक दूसरे को स्टेरिक रिपल्शन करेंगे, ठीक है। चैतन्य स्टेरिक रिपल्शन का आपको अभी अभी नहीं स्टडी करना है, या आप यहाँ पे देख सकते हो चैतन्य यहाँ हाइड्रोजन बने हुए हैं, कुछ काले हाइड्रोजन है कुछ लाल हाइड्रोजन है, समझ में आ रहा है? काले हाइड्रोजन और लाल हाइड्रोजन जो है ना, इनके बीच में रिपल्शन होता है, ठीक है। क्या है अर्पिता का सवाल है, होमोमर्स क्या होता है? होमोमर बिल्कुल मानस, सही बात है। प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, डायरेक्टली इन ऑप्टिकली इनएक्टिव। हाँ सब लोग जा सकते हो, जिसको जिसको जाना है जा सकते हो, सेशन खत्म हो चुका है। मैं एक डाउट अभी डिस्कस कर रहा हूँ अर्पिता का, होमोमर्स क्या होता है? होमोमर्स तो मेरे को भी याद नहीं क्या। आइडेंटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेम कंपाउंड, ऑफ सेम कंपाउंड, इट मींस व्हेन सेम कंपाउंड इज रिप्रेजेंटेड इन डिफरेंट वेज, all the representations are known as homomers of each other। तो अपन वही ना, अपन अलग अलग ड्रॉ किए थे, सबका वेज डैश ड्रॉ किए थे और ये सब ड्रॉ किया था, है ना, सेम कंपाउंड का, तो वो होमोमर है, ठीक है, सेम ही कंपाउंड है। हाउ इज बोट मोर स्टेबल, आविष्कार ये जी एडवांस वाले सेशन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज का सेशन यही पे खत्म करते हैं, मेरा अभी अगला सेशन थोड़ी देर में स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट में अपन आगे की कहानी कंटिन्यू कर सकते हैं।
कॉन्फर्मर्स आर होमोमर्स, अरे ऐसे मत करो यार, फिर कॉन्फर्मर बोलने का सवाल क्यों उठा, है ना। एक ही कंपाउंड को, एक ही कॉन्फर्मर को अलग अलग फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया तो वो होमोमर हो गया, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, बाय, मैं आपको मिलता हूँ अगले सेशन में, फिर अपन आगे की कहानी कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ये आविष्कार स्टैगर्ड कैन गेट कन्वर्टेड इजीली, ठीक है, चलो बाय।